हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टीच फॉर क्लास फिफ्थ। पिछली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में लेसन फिफ्थ तक कंप्लीट किए थे। अब आज हम लोग लेसन सिक्स की रीडिंग करेंगे। लेसन सिक्स हमारा है लिंग। तो आइए लिंग के बारे में जानते हैं क्या है। शब्दों के जिस रूप से बताई गई वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जात का होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ से, मतलब जिसके माध्यम से हमको कि यह लड़का है कि लड़की है, इस चीज़ का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद माने गए हैं, एक पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष या नर जात। जो शब्द पुरुष जात का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, ऊंट, मुर्गा। और कुछ वस्तुएं होती हैं जो रूप, आकार या वजन के कारण पुल्लिंग मानी जाती हैं, जैसे महल, पहाड़, वृक्ष। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री या मादा जात। जिन शब्दों से स्त्री जात का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, घोड़ी। अब देखो लिंग का प्रभाव क्या होता है। संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रिया तथा विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेषण में देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे हरा करेला है तो स्त्रीलिंग में हरी भिंडी हो गई। और क्रिया में देखो घोड़ा भागा, बैल उठा, लड़का गिर गया, लेकिन वही स्त्रीलिंग में उसकी क्रिया चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, जैसे घोड़ी भागी, गाय उठी, लड़की गिर गई। लिंग की पहचान। कुछ संज्ञा शब्द पुल्लिंग है तो कुछ स्त्रीलिंग। व्यवहार तथा प्रयोग के आधार पर शब्दों के लिंग तय किए गए हैं, जैसे कुछ उनके अपवाद भी हैं। जैसे महीनों के नाम पुल्लिंग हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, लेकिन जनवरी, फरवरी स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं, जैसे शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग में हैं तो कुछ स्त्रीलिंग में, जैसे सिर, हाथ, गला, कान, आँख पुल्लिंग है तो नाक, छाती, जीभ आदि स्त्रीलिंग है। पर्वत, समुद्र, देश, पेड़ आदि के नाम पुल्लिंग हैं तो, जैसे सागर, भारत, महासागर, बरगद आदि नदियों के नाम सब स्त्रीलिंग में हैं। आ से अंत होने वाले संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। भाषा, बोली, लिप आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो सम्राट है तो इसका स्त्रीलिंग साम्राज्ञी होगा, कबूतर है तो कबूतरी होगा, बेटा है तो बहु होगा, पति, पत्नी, पत्नी स्त्रीलिंग है, पति पुल्लिंग है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने लिंग के बारे में समझा। आइए उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। यह पुल्लिंग है, हिरण पुल्लिंग है, तुम्हारा पहला ऑप्शन सही होता है। जनवरी स्त्रीलिंग है, हमारा पहला ऑप्शन सही होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि रेखा खींच कर सही जोड़े बनाइए। साला, साली, फूफा, बुआ, पुरुष, स्त्री, दादा, दादी। फिर है दोस्त, सहेली, शिष्य, शिष्या, राजकुमार, राजकुमारी, वीर, वीरांगना। तो बच्चों जिस तरह से इसमें हमने फिल किया है आप लोग को बुक वैसे ही कंप्लीट करना है। देखो ई जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाना, जैसे मामा, चाचा, नाना, नानी में मामी, चाची, नानी, दादी हो गई। फिर स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग शब्दों को छाट कर सही शीर्षक के नीचे लिखना है। जैसे देखो स्त्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में लिखना है। दीवार, बोतल, चित्र, दरवाजा, कपड़ा, बस्ता सब पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या है, खिड़की है, बाल्टी है, गद्दी है, मूर्ति है, ये सब हमारा क्या हुआ स्त्रीलिंग। शब्द पढ़िए तथा लिंग लिखिए। मुंह पुल्लिंग है, पहाड़ी स्त्रीलिंग है, कान कान हमारा स्त्रीलिंग नहीं है बेटा, पुल्लिंग है। डिब्बा पुल्लिंग है, अध्यापक पुल्लिंग है, तेली पुल्लिंग है, हिमालय पुल्लिंग है, जून पुल्लिंग है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने लेसन सिक्स की रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। बच्चों आज अब हमारा आपका होमवर्क है कि कंप्लीट योर एक्सरसाइज एंड रीडिंग योर
लेसन, आप लोग लेसन की रीडिंग कर लेना और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।